गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। ईवीएस की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर यूजेस, जिसमें हमने रूट्स और फ्लावर्स के बारे में रीड कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, फ्लावर्स मतलब फूल और इंसेक्ट मतलब जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको इंसेक्ट कहा जाता है। जैसे बटरफ्लाई है, हनी बीज है, ये सब क्या है, कैटरपिलर है, ये सब इंसेक्ट्स है। ओके, तो यहाँ पर फ्लावर्स और इंसेक्ट्स के बारे में बताना है। फ्लावर्स एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। द ब्राइट कलर एंड शेप ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट डिफरेंट इंसेक्ट्स टूवर्ड्स देम। सम इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज विजिट फ्लावर्स लुकिंग फॉर नेक्टर। व्हेन द इंसेक्ट सिट ऑन अ फ्लावर, पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर बॉडी। व्हेन दिस इंसेक्ट्स सिट ऑन द अदर फ्लावर्स, दे कैरी दिस पोलन्स विद देम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अ पॉलिनेटेड फ्लावर डेवलप्स इंटू अ बिग फ्रूट फुल ऑफ फर्टाइल सीड्स। दिस सीड्स कैन प्रोड्यूस न्यू एंड हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो फ्लावर्स और इंसेक्ट होते हैं अलग अलग तरह के, वो एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फिर जो इंसेक्ट होते हैं वो फूलों पर बैठते हैं उनका नेक्टर लेने के लिए। नेक्टर मतलब उसमें जो भी रस होता है फूलों का, उसको पीने के लिए वो फूल पर बैठते हैं। और जब वो फूल पर बैठते हैं तो फूल का जो परागकण होते हैं, बारीक बारीक जो बहुत छोटे छोटे येल्लो कलर के परागण होते हैं, उस पराग को वह एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाते हैं। ठीक है, जब वह एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठते हैं तो उनके पैरों में वह पराग चिपक जाते हैं और फिर वह दूसरे फूल में जाते हैं और उस फूल के अंदर ओवरी में जाके उसका निषेचन होता है और एक दूसरा बीज तैयार होता है, जिससे फल तैयार होता है और उसी फल के बीज से दोबारा से नया प्लांट तैयार किया जाता है, नया पौधा उगाया जाता है। आपने देखा होगा ना कि किसी भी फल को पकाते, जैसे आम की गुठली है, तो आम की जो अंदर का बीज होता है उसी को वापस से बोया जाता है, फिर आम का पेड़ उगता है। ऐसे ही जामुन है, जाम है, इनके जो बीज होते हैं इनको बोया जाता है ज़मीन में और फिर से नया पौधा उगता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वह इंसेक्ट के द्वारा होती है। इंसेक्ट क्या करते हैं, फूलों का जो परागकण होता है उनको एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर उनमें निषेचन की क्रिया होती है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। और ये पॉलिनेशन प्रोसेस से फिर नया बीज बनता है और नए बीज से नया पौधा बनता है। ठीक है, तो वो जो प्लांट होता है वो बहुत ही हेल्दी और नया होता है। तो इस तरह से फ्लावर और इंसेक्ट दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हनी एंड हनी बीज। हनी मतलब शहद होता है, हनी बीज जो मधुमक्खियां शहद बनाती हैं उनको हनी बीज कहा जाता है। हनी बीज नॉट ओनली हेल्प प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, दे आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन इन सिवरल वेज। हनी बीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस हनी एंड अदर हाइव प्रोडक्ट्स सच एज रॉयल जेली, बी वैक्स एंड बी वेनम। जो हनी बीज होती है, शहद वाली मधुमक्खियाँ होती है, वो पॉलिनेशन के साथ साथ बहुत सारे दूसरे तरीक़ों से भी वह मानव जाति के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। जो हनी बीज होती है वह, उससे लोगों को शहद मिलता है और उसके अंदर जो हाइव, उसका जो छत्ता होता है उसको हाइव कहा जाता है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे रॉयल जेली है, मोम है, बी वेनम जो मधुमक्खियों का जो जहर होता है उसका भी कुछ काम होता है, तो वो भी उसको हनी बीज से हमको मिलता है। हनी इज़ अ स्वीट एंड थिक सॉल्यूशन मेड बाय बीज। सम फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस, जामुन, सनफ्लावर एंड सिट्रस प्लांट्स गिव गुड नेक्टर टू बीज। हनी मेड फ्रॉम देम हैज़ अ वंडरफुल फ्लेवर। हनी जो है एक मोटा और मीठा एक सॉल्यूशन होता है जो कि मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, और कुछ पौधे के जो फूल होते हैं जैसे यूकेलिप्टस है, जामुन है, सनफ्लावर है एंड जितने भी खट्टे पौधे, सिट्रस प्लांट जितने भी होते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, इनके जो फ्लावर होते हैं वहाँ से जो मधुमक्खियाँ हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करती है और अलग अलग फ्लेवर का शहद बनाती है। हनी इज़ मेड इन द बी हाइव व्हेन द बीज वर्क टुगेदर। ठीक है, हनी क्या करती है, छत्ता बनाती है, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें हनी बनता है, तो जो मधुमक्खियाँ होती है वो एक साथ मिलकर काम करती है। अब बी कॉलोनी जो उनकी जो घर होता है उसको बी कॉलोनी कहा जाता है। अब बी कॉलोनी हैज़ अ क्वीन बी, ड्रॉन्स एंड वर्कर बीज। द क्वीन ले एग्स। द वर्कर बीज आर ऑफ टू टाइप्स, फील्ड बीज एंड हनी बीज। द फील्ड बीज फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, दे स्टोर इट इन देयर स्टमक्स। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पर, जो
हनी मतलब मधुमक्खियों की जो कॉलोनी होती है उसमें एक रानी होती है और मेल बीज मतलब पुरुष मधुमक्खियाँ भी होती है और काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। तो जो रानी होती है वो क्या होती है, अंडे देती है, वर्कर बीज काम करती है, मतलब कि वह हर एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर नेक्टर को कलेक्ट करके लाती है और उसको वो कहाँ स्टोर करती है, अपने पेट में स्टमक में स्टोर करती है। नाउ नेक्स्ट है, व्हेन दे फ्लाई टू देयर बी हाइव्स दे ट्रांसफर द स्टोर नेक्टर इनटू द माउथ्स ऑफ हनी बीज। ठीक है, जब वह क्या करती है, फिर से उड़कर अपने छत्ते में आती है तो वह अपना जो उसके अंदर इकट्ठा किया हुआ जो नेक्टर है वो अपने मुंह से बाहर निकालती है और अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। द हनी बीज एड स्पेशल केमिकल्स फ्रॉम देयर बॉडीज टू द नेक्टर। जो हनी बीज होती है वो एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी से नेक्टर के साथ। दीज नेक्टर इज स्टोर इन अ सेल ऑफ हनी कॉम। और जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें उस नेक्टर को वह स्टोर करती है। आफ्टर सम टाइम द नेक्टर टर्न्स इनटू हनी। और कुछ समय के बाद जो वो नेक्टर, फूलों का जो रस होता है, नेक्टर किसको कहते हैं, फूलों के रस को कहते हैं, तो वो फूलों का रस किस में चेंज हो जाता है, शहद में चेंज हो जाता है। When the honey is ready, the beekeepers collect the honey. और जब हनी बनकर तैयार हो जाता है तो जो शहद तोड़ने वाले लोग होते हैं, शहद को मतलब मधुमक्खियों को पालने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शहद को कलेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर हनी एंड हाइव प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बी कीपिंग एंड एपिकल्चर। ठीक है, ये जो रियरिंग मतलब होता है यहाँ पर पालन पोषण, तो जो मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं और हनी को प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों का पालन करना या फिर एपिकल्चर उनका पालन पोषण करना। एंड द प्लेस वेयर द बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड बी फार्म एंड एन एपियरी। और ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उनका पालन किया जाता है, उसको बी फार्म कहते हैं या फिर एन एपियरी या फिर उसको एपियरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, अ बी विजिट्स 50 to 100 फ्लावर्स ड्यूरिंग अ नेक्टर कलेक्शन ट्रिप। ठीक है, एक बार नेक्टर कलेक्ट करने में एक बार में वह 50 से 100 फूलों पर जाती है जब जाके उसको नेक्टर कलेक्ट होता है और फिर उससे शहद बनता है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है, सो वी विल कंप्लीट टुडे आल्सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स में है फर्स्ट, रूट हेल्प्स इन डैश वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, जो जड़ें होती है वह मिट्टी से क्या करती है, एब्जॉर्बिंग वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करती है। रूट्स आर नॉट ऑलवेज डैश, जो जड़ होती है वो हमेशा अंडरग्राउंड नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडरग्राउंड। बी विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती है वह फूल पर क्या कलेक्ट करने के लिए जाती है, नेक्टर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नेक्टर। डैश इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, फूलों का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टेमन, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्टेमन। यहाँ पर सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी, मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट है पेटल, पेटल को आप किससे मैच कर लेंगे, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है नेक्टर से हनी बनता है। परफ्यूम्स, परफ्यूम से फ्लावर्स बनते हैं, मतलब फ्लावर से परफ्यूम्स बनता है तो फ्लावर से मैच करेंगे। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन जो है वो फूलों का मेल पार्ट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट ट्रू और फॉल्स। ये सब आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स, तो ये क्या है, ट्रू है कि जो सीड, जो बीज है वो उसके जो फूल, बीज कहाँ से मिलते हैं, फूलों से मिलते हैं। फ्लोरिस्ट आर द पीपल हु सेल फ्लावर। ठीक है, जो फूलों को बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है, तो ये भी ट्रू है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर आर एडिबल। ठीक है, फूल जैसे कि कॉलीफ्लावर है तो वो एडिबल है, खाने योग्य है, तो इट्स अ ट्रू, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नाउ नेक्स्ट है हनी कैन बी मेड एट होम्स। ठीक है, हनी जो है वो घर पर बनता है, नहीं वो तो मधुमक्खियाँ बनाती है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। रूट होल्ड्स द प्लांट फर्मली एट वन प्लेस। ठीक है, जो जड़ होती है वह सिर्फ एक जगह से प्लांट को पकड़ कर रखती है, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो रूट्स होती है वो बहुत दूर अंदर जमीन तक फैली हुई होती है और प्लांट को अच्छे से कस कर पकड़ के रखती है। सो ये तीन जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में करना है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें से आप 1, 2 और 3
1, 2 and 3 जो क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे अपनी आंसर की से, ठीक है। अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, देन राइट डाउन क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 1, 2, 3 क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे और आंसर आंसर की से करेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप में आप क्या फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लेफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी और आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आप शॉर्ट में से 3 करेंगे और लॉन्ग में से आप 2 आंसर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपको सबको अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करना है। आपके 2 चैप्टर्स और बाकी हैं तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में, अब आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। देन इसके बाद आपकी जो भी नोटबुक्स है वो कंप्लीट होने के बाद स्कूल में आपको सबमिशन करना है, तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक अच्छे से कंप्लीट करके रखेंगे और जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए पेपर वगैरह आएगा उसको भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो आप अपना जो चैप्टर का वर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद आपको जो पेपर है वो भी कंप्लीट करना है। थैंक यू।